चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क सलधार के पास भारी चट्टान आने से अवरुद्ध हो गई। मार्ग अवरुद्ध होने से आवाजाही पूर्ण रूप से रुक गई थी, जिससे सेना और ग्रामीणों को आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पैदल जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। हालांकि सीमा सड़क संगठन मार्ग को खोलने में जुटा हुआ है। सीमांत घाटी सलधार के पास अधिक मात्रा में बोल्डर के आने से दो दिन से सड़क मार्ग बंद है। इस सड़क के बंद हो जाने से घाटी में 20 गांव प्रभावित हुए हैं। बीआरओ के द्वारा मार्ग खोलने का प्रयास किया जा रहा है। एक दिन और लग सकता है मार्ग को सुचारू करने की स्थिति में। लगभग बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं यहाँ पे और आम व्यक्ति के लिए आवाजाही का सिस्टम बंद हो चुका है, जिसमें आम व्यक्ति परेशान है। लगातार 3 दिनों से ये बोल्डर गिरी हुई है और यहाँ बीआरओ पूरी मदद कर रही है, जल्द से जल्द रोड खोलने की आशंका जताई रही है। संवाद 365 के लिए चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट।